20 मार्च 2022 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख हैं 1 मार्च 1990। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को यह दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिली हुई है। यह वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म ब्राह्मण जीवन इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में बोल में कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि दृष्टि से वृत्ति कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति सेवा प्रति ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है ही दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख वह सदा बाप को आपको यानि स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वह अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है सेवा के निमित्त रखा है जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना इसको कहते हैं बाप को आप यानी स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। यह है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि यह कंकड़ है यह मोती है लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धियोग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कोई बातें जो आज मानव को असंभव लगती है वह संभव कर दिखाते हैं लेकिन यह विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं।
दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहे जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्यार यानी पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्मा टचिंग है प्योर सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं। नेचुरल है ना, वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में
कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है। सफलता अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती है। अच्छे की निशानी यह है कि सबके अंदर देखने सुनने पाने की इच्छा बढ़ रही है, यह है अच्छे की निशानी। तो यह नहीं सोचो संख्या कम होगी, अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी, चाहे फॉरेन की रिट्रीट में चाहे कॉन्फ्रेंस में। दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे ते अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट यह है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं, यह समझते हैं। तो यह है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की, मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को न देख आराम को न देख अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो, चाहे और कितने भी आए लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है, आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं।
औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले होना। जितना यह बाप को फॉलो करते हो उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबर वार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है, बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते, तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। यह दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो? फीलिंग आती है? जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख, स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना? जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो? हिसाब हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पद्म। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? यह नशा भी हो किंतु निर्माण, जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसे स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास
शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फॉरेन में नहीं लगाते हो, वह तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना है, सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो, सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, आज का वरदान है साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अड़ोल प्रकृति जीत भव। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अड़ोल प्रकृति जीत भव। विश्लेषण है, प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मजा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के पांच पांच खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अड़ोल प्रकृति जीत आत्मा। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, सभी राज्यों की तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय परमधाम की ऊंचे स्टेज पर स्थित हो, पूरे ग्लोब पर पवित्रता की शक्तिशाली किरणों द्वारा पवित्रता शांति और शक्ति की सकाश फैलाए। अच्छा, ओम शांति।